हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, कर्क राशि 2022। तो दोस्तों, कर्क राशि के व्यक्ति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इस राशि के लोग घर परिवार से बहुत अधिक मोह रखने वाले होते हैं। भावनात्मक रूप से स्वयं को सुरक्षित बनाए रखने के कारण ये अपनी भावनाओं को सावधानी के साथ प्रस्तुत करते हैं। आपके लिए ये कहा जा सकता है कि आप अपने रिश्तों और परिवार के लिए ही जीते हैं। दूसरों का पालन पोषण करने के लिए इनका जन्म हुआ होता है। बहुत सारे जज्बात और भावना से ये लोग भरे होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि का करियर के बारे में। तो दोस्तों, करियर के हिसाब से ये वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति प्राप्त होगी। आप अपने प्रयासों से उन्नति प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। आप जिस क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो आपको इसमें सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत इतनी अनुकूल नहीं होगी और सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ध्यान एकाग्र करना पड़ सकता है। लेकिन साल के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों, आपके सप्तम भाव में शनि की स्थिति के कारण इस वर्ष सभी जातकों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में औसतम परिणाम हासिल होगा। अपने व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद ना करें। केवल कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के दम पर ही इस वर्ष आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, नौकरी या व्यापार के लिए आपको कड़ी मेहनत जरूर करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि का पारिवारिक सुख कैसा है। तो दोस्तों, इस वर्ष पारिवारिक जीवन में आपको अनेक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको परिवार के सुख में कमी महसूस होगी। साथ ही परिवार का सहयोग प्राप्त करने में आपको परेशानी होगी, जिससे आपको निजी जीवन तनावग्रस्त रहेगा। वही कार्य की अधिकता के कारण भी आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। और दोस्तों, साल के उत्तरार्ध में संतान को लेकर चल रही कोई भी चिंता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, इस वर्ष नव विवाहों के लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी इस साल यानी कि 2022 में इनकी शादी हो सकती है। तो दोस्तों, तैयार रहे शादी के लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि का आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष सामान्य से कुछ बेहतर रहेगा। हालांकि साल के शुरुआत में कुछ कमजोर रह सकते हैं। ऐसे में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए जितना संभव हो अपने धन संचय किया करें, यानी कि प्रयास करें, यानी कि आप सेविंग पर ज्यादा ध्यान दें। अप्रैल के 50 तिथियों में कुछ परिवर्तन आएगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र में आपको धन लाभ हो सकता है, किंतु खर्चों में नियंत्रण रखने की आवश्यकता पूरे वर्ष रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होगी। और दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन सलाह दी जाती है कि निवेश को लेकर सतर्क रहे, क्योंकि इस साल आपको खर्चे काफी ज्यादा होने वाले हैं। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, खर्चों पर अवश्य नियंत्रण रखें। और आप यदि दुकान खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिएगा, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि के स्टूडेंट के बारे में। कर्क राशि के छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जनवरी से अप्रैल का समय विद्यार्थियों के लिए प्रतिकूल रहेगा। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आपको अड़चने का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको ये भी सलाह दी जाती है कि इस वर्ष के दौरान अपनी पढ़ाई में ध्यान न खोए या किसी भी बात से विचलित न हो। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले कर्क राशि के जातकों को अप्रैल के बाद जब मीन राशि में बृहस्पति गोचर करेगा, तभी छात्रों को बिना किसी व्याकुलता के ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिल सकती है। तो स्टूडेंट के लिए इतना ही कहना है कि अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि का स्वास्थ्य देखते हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि में
आपकी राशि में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनि वर्ष के आरंभ में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी राशि के छठे भाव का स्वामी बृहस्पति आपको अष्टम भाव में होगा, जिस कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। योग व्यायाम नियमित रूप से करते रहे और खान पान में बहुत संयम बरतने की आवश्यकता पूरे वर्ष आपको रहेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा और लग्न पर ग्रह के लाभकारी पहलू के कारण आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार होंगे। तो दोस्तों, आपको अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना होगा, यानी कि नियंत्रण भी रखना होगा और आपको अति दक्षता लेनी होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए उपाय कौन से है। तो दोस्तों, रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला ले। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। तो दोस्तों, पूरे साल ये उपाय करते हैं तो आपके आने वाले संकट है वो दूर हो जाएंगे, यानी कि आप पर भगवान शिव की कृपा तो रहेगी और सूर्य नारायण की भी आप पर विशेष कृपा रहेगी। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।